फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रिको एमपीसी 305 के बारे में रिव्यू और इसकी स्पेक्स और इसका डेमो दूंगा, कैसे आप इसको कंप्यूटर पर अटैच कर सकते हैं, कैसे आप इसकी नेटवर्किंग कर सकते हैं, कैसे आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, और ये कैसा मार्केट में मॉडल है और कैसे इसकी प्रिंटिंग, कैसे इसकी रिफिलिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। वीडियो ये है रिको 305 के साथ। जब आप इसको लेते हैं तो इसके अंदर से एक नेटवर्किंग वायर, प्रिंटर केबल और पावर केबल निकलती है। ये इसका यूज़र मैनुअल है। इसमें आपको इसकी जो है सीडीज, ड्राइव और मैनुअल कैसे इसको यूज़ करना है वो सारी चीज़ें। ये इसके बाद नीचे ट्रॉली आती है जिसको आप एज आ कैरी आउट करने के लिए रखते हैं। और इसके बाद आज मैं आपको दिखा दूँगी कैसे इसको ऑन करते हैं मशीन। यहाँ पे पावर केबल लगानी है, आपने पीछे स्विच है। पावर केबल लगाने के बाद इधर एक बटन है मशीन पर, इसको आपने प्रेस कर देना है तो मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। और ये फिर पैनल है, बस यहाँ पर स्टॉप कर ये मशीन ऑन हुई है। वहाँ से हमने बटन प्रेस किया तो मशीन ऑन हो गई है। ये इसका रिज़ल्ट है, इस पर ज़रा फोकस करें। ये इसका रिको एमपीसी 305 का रिज़ल्ट है। तो ये इसका टेस्ट पेज है, तो ये देखें, ये एरर शो कर रहा है। ये एरर है जी पेपर लोडिंग का, कॉपियर में पेपर नहीं है। पेपर आपने शफल करके ओपन करके ट्रे में ये एडजस्टर लगे हुए हैं, इससे आगे पीछे कर सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं जब आपने छोटा पेपर लगाना है। बट हमने अभी A4 लगाना, तो हमने A4 लगा के पेपर बंद कर देना है। ये इसका कॉपियर है, ये स्कैनर है और ये प्रिंटर है। ये कॉपियर में अगर आपने कॉपी करनी है तो आप कॉपियर में जाएंगे। पेपर देखें, अभी हमने डाला है तो उसने रेडी का साइन दे दिया। अब इसके बाद आप कॉपी करने के लिए सिंपली अपना डॉक्यूमेंट पकड़ेंगे और इसको, ये इसका स्कैनर होता है, वहाँ पर स्कैनर पर रख के तो क्लोज करेंगे। उसके बाद आपने ब्लैक एंड वाइट करनी है तो ब्लैक एंड वाइट, फुल कलर करनी है तो फुल कलर, अगर ऑर्डर करनी है तो ऑर्डर। हम इसको फुल कलर पर करते हैं, इसकी कॉपी फुल कलर सेलेक्ट करके आपने सिंपली स्टार्ट का बटन दबाना है। ये आपकी कॉपी आ गई। और जैसा कि अगर आपके पास मल्टी पेपर आ जाते हैं तो तब आपने ऊपर ये ADF ट्रे कहते हैं, आपने ADF का यूज़ करना है। ADF में जो है देखें, जैसे ये मल्टी पेपर है, मल्टी पेपर आपने ऊपर से लगा देंगे और इसको एडजस्ट कर देना कि पेपर किस साइज़ का है। हमारा A4 साइज़ का, हमने A4 साइज़ पे सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद सिंपली हमने ब्लैक एंड वाइट पे, क्योंकि हमने कलर पहले कर ली है और हम ब्लैक एंड वाइट को यूज़ करेंगे। ऐसे सिंपली स्टार्ट दबाएंगे, आपके जितने भी पेपर हैं वो सारे ये ईजीली ऊपर से स्कैन कर जाएगा और नीचे से निकाल देगा। ये ब्लैक एंड वाइट में इसने किया। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो ये इसके पैनल पे ये एक बटन है 1, 2, 3 का, इसका काउंटर का बटन होता है। इसमें आपकी सारी सेटिंग आ जाती है, सिस्टम सेटिंग, टूल्स वगैरह। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे काउंटर आ जाएगा। काउंटर वो होता है जैसे गाड़ी में किलोमीटर के हिसाब होता है, ऐसे मशीन के अंदर काउंटर होता है। तो काउंटर की आप तीन काउंटर लिस्ट कर देंगे और उसके बाद स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो आपका काउंटर आ जाएगा। ये आपका काउंटर है। तो डबल साइड करने का तरीका सबसे आसान है, आप ऊपर से जो है पेपर लगाएं और उसके बाद कॉपियर के अंदर जाएं। कॉपियर में इधर ऑप्शन है 1, 2, 2 साइड को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको सिंपली स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली डबल साइड जो है वो आपका काम कर देगी, चाहे ऊपर आपने जितने मर्जी मल्टी पेपर रखे हैं। सिंपल, अगर आपने ID कार्ड की कॉपी करनी है तो वो आप इसके स्कैनर से करेंगे। और बाकी इसके अंदर एक ये जो है बाईपास ट्रे होती है,
ये भी एडजस्टेबल है कि आपका पेपर A6 है, B6 है, A5 है, B5 है, A4 है। ज़्यादातर लोग जो बाईपास चाहिए हैं उसको आर्ट कार्ड या ज़्यादा ग्रामेज वाले पेपर्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। बाकी ये आपकी मशीन है, आप इसको देख सकते हैं चारों तरफ से। और सबसे ज़रूरी बात, ये मशीन का ये कवर होता है, यहाँ से आप इसको खोलते हैं और इसके अंदर ये टॉमस की बोतल्स होती हैं, इसको ऐसे आप प्रेस करके बाहर खींचते हैं तो इसके अंदर आपको पता चल जाता है कि टॉमर कितना है। इस तरह इसके अंदर चार कलर्स होते हैं, फोर कलर्स होते हैं, नीचे फोर ड्रम यूनिट होते हैं, उसके बाद ये कि इसका वेस्टेज बॉक्स होता है, इसको आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पूरे पाकिस्तान में होलसेल का काम है। हम होलसेल पे प्रिंटर्स, फोटोकॉपियर, 3-in-1 वगैरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं रेंटल बेसिस पे। और दूसरा, इस पे जिस भाई को भी चाहिए वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।